राम मंदिर को लेकर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने संतों से धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा कि पीएम मोदी इस मुद्दे पर 11 दिसंबर के बाद कैबिनेट की मीटिंग लेंगे। राम भद्राचार्य ने कहा कि यह बात मोदी कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री ने धर्मसभा के पहले फोन कर बताई थी। जिन्होंने मुझे संदेशा दिया था उनका नाम बताने के लिए उन्होंने मना किया था, पर संकेत से आपको समझ लेना है, मोदी सरकार में मोदी जी के पश्चात जो वरिष्ठ मंत्री हैं उन्हीं का वो संदेश है। अब उनका नाम मुझसे मत पूछिए, आप समझते जाइए। क्या संदेश है गुरु जी? 23 नवंबर की 8:30 बजे की रात में, रात 8:30 बजे उन्होंने मुझसे फोन पर कहा कि जगत गुरु जी, आप अयोध्या की धर्म सभा में जा रहे हैं, एक मेरा संदेशा लेते जाइए। संतों से कह दीजिए कि संत अधीर न हो। भाजपा सरकार का भी मन है श्री राम मंदिर बनाया जाए। व्यवधान कांग्रेसियों ने डाला, जजों को मिसगाइड किया, इसका परिणाम ये हुआ कि जो कार्यवाही बहुत जल्दी होनी थी 3 मिनट में उन्होंने कार्यवाही कैंसिल करके जनवरी की तारीख डाल दी सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि छोटी छोटी बात पर तुरंत सुनवाई हो जाती। क्या राम मंदिर छोटा है? कांग्रेसियों के कहने से ऐसा कुछ हो गया, परंतु हम उनकी नींद चलने नहीं देंगे। अभी चुनाव 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता समाप्त हो जाने दीजिए। 11 दिसंबर के बाद हम लोग बैठेंगे, प्रधानमंत्री भी होंगे, हम सब मंत्री बैठेंगे, कोई न कोई सम्मानजनक समाधान हम निकालेंगे जिससे कि राम मंदिर निर्माण की का मार्ग प्रशस्त हो जाए। कि सरकार की बात पर भी विश्वास कर लेना चाहिए। जब सरकार कह रही है हम 11 दिसंबर के पश्चात कोई न कोई सम्मानजनक समाधान ढूंढ लेंगे, मैं जगत मेरे नजरिए से यही समाधान बनता दिख रहा है, समाधान होगा और बहुत अच्छा समाधान होगा। देखिए सरकार की अपनी इच्छा है, क्या करेगी, अध्यादेश भी ला सकती है और पास भी करवा सकती है, फिर उसको संसद में पारित भी करवा सकती है कानून बनाकर, अथवा समझौता करवाए, पर समझौता तो नहीं दिखता, अंत में वही मार्ग है जो अध्यादेश का है। इसीलिए लगता ये है कि भाजपा ने अपने सांसदों को कह दिया है कि 11 दिसंबर शीतकालीन सत्र में कोई भी सांसद कहीं बाहर न जाए, दिल्ली रहे, कुछ न कुछ अच्छा समाधान निकलेगा। जब सबके अच्छे दिन आ रहे हैं तो राम मंदिर के भी अच्छे दिन आएंगे।